स्वतंत्रता के 75वें साल पर मनाया जा रहा आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा। चारों तरफ जश्न का माहौल है और तिरंगा यात्रा के साथ ही देशभक्ति के भाव भरने की हर संभव कोशिश किए जा रहे हैं। आम लोगों के बीच में देशभक्ति का भाव जगाने के मकसद से आज चंदन क्यारी के विधायक सह पूर्व मंत्री आम्र कुमार बावरी की पहल पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। रविंद्र भवन से सुभाष चौक तक और फिर अस्पताल मोड़ से ब्लॉक तक विभिन्न जगहों के लिए निकाली गई इस यात्रा में भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ तिरंगा लहराते सैकड़ों संख्या में शामिल हुए लोगों ने अपनी देशभक्ति दिखाई। वहीं चंदन क्यारी के कई सरकारी स्कूलों में विधायक पहुंचकर छात्रों के साथ तिरंगा प्रभात फेरी निकाले। वहीं बोगला पंचायत में मुखिया समा पदों के नेतृत्व तिरंगा यात्रा निकाला गया। जोबस्तौड़ में भी मुखिया विप्लव मुखर्जी ने भी ग्रामीणों साथ निकले तिरंगा यात्रा एवं पाखड़ के सभी पंचायतों में निकला। लोग अपने छतों के ऊपर भी तिरंगा झंडा लगाया। आजादी का अमृत महोत्सव और देश के आजादी के 75 साल, पूरा देश इसे बहुत ही हर्षोल्लास और बहुत ही उत्कर्ष आनंद के मना रहा है। चंदन क्यारी में भी हम लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान, जो माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान है, इसको पूरा करने का हम लोगों ने भी कार्य प्रारंभ किया है। सभी लोग लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं उत्साह किस तरह से है। और आज अभी बालिका स्कूल चंदन क्यारी में है हम लोग, और सारे बच्चे भी बहुत उत्साहित है, प्रभात फेरी से लौटे हैं। हम लोगों ने भी तिरंगा का वितरण किया है। सभी लोग 13 से 15 तारीख तक अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा सदैव ऊंचा रहे हमारा, इस नारे के साथ यह तिरंगा हमसे सबका, हमारा संप्रदाय, हमारे मान सम्मान, हमारे अस्मिता, हमारा अभिमान, हमारा शान का प्रतीक है। इसको बड़े ही गर्व के साथ पहली बार इतिहास के अंदर हमें घर पर फहराने का मौका मिला है। आज़ादी के 75वें उत्सव पर हम सब लोग फहराएंगे। आप सबको भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ, जो लोग भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, सभी से किया, सब लोगों ने तो अपना अपना झंडा खरीद लिया। क्या आपने खरीदा है? नहीं खरीदा है तो अपना झंडा खरीदे, नहीं तो किसी से अगल बगल जहाँ वितरण हो रहा है वहाँ से जाके संपर्क करिए और निश्चित रूप से अपना घर पे तिरंगा जरूर लहराइए। 5 मिनट समय दीजिए।